Hello friends, welcome to our channel Science Learners. Today we got this circular from the Examining Board Authority of Karnataka. Today 26th अप्रैल को ये हमें नोटिफिकेशन मिल गया है. इसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में, जिसका बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम्स कब होंगे और किसके लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं, तो ये क्लेरिफिकेशन आ गया है. एग्ज़ाम तो जून में होगा, डेट टेंटेटिव भी नहीं दिया हुआ है, बस मंथ दिया हुआ है कि जून में आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा. अब क्वेश्चन है कि कौन कौन ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं. बट जैसे एक्सपेक्टेशन था कि ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे बच्चे दे सकते होंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ. बोर्ड वालों ने पता नहीं ऐसा क्यों किया. सिर्फ ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम किसको अलाउड है, तो ओल्ड सिलेबस डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रखा जा रहा है. जैसे यहाँ आप हेडिंग दे सकते हैं, कैलेंडर फॉर द इवेंट फॉर द डी फॉर्म पार्ट टू सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जून 2023. यानी ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जून में होने वाला है, उसमें सिर्फ डी फॉर्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, वो भी ओल्ड सिलेबस वाले, क्योंकि न्यू सिलेबस का तो अभी सेकेंड पार्ट अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो सिर्फ किनको चांस दिया जा रहा है, डी फॉर्म सेकेंड ईयर बच्चों को एग्ज़ाम देने का चांस दिया जा रहा है. जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, जो अभी जून जनवरी में जो एग्ज़ाम दिए थे, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे एलिजिबल और फेल भी हुए हैं, तो उनको एक मौका मिल सकता था सप्लीमेंट. हम लोग सोच रहे थे उनको भी मौका दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ सेकेंड ईयर वालों के लिए एग्ज़ाम रखा जा रहा है, और सेकेंड ईयर वाले वो भी ओल्ड सिलेबस के बच्चे ही एग्ज़ाम देंगे सप्लीमेंट जून में. तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, जिन्होंने जनवरी में दिया और बहुत सारे बच्चों का अभी पेपर बैक रह गया है, या फिर जो एलिजिबल बच्चे हैं जिनके एक दो पेपर रह गए हैं, वो सारे बच्चे अब कब देंगे, अब फाइनली उनको अक्टूबर में ही उनको चांस दिया जाएगा. अभी जून वाला चांस क्लेरिफिकेशन हो गया है कि अब न्यू सिलेबस जो जनवरी में बच्चे एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे दिए थे, या ओल्ड सिलेबस वाले फर्स्ट ईयर वाले बच्चे दिए थे, शायद सबको देंगे चांस. वो क्लेरिफिकेशन आ गया कि उनको अब चांस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर डी फॉर्म बच्चे, वो भी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जून में दे सकते हैं. अब यहाँ पे देख लीजिए, अब कॉलम फर्स्ट में वही है कि कौन एप्लीकेशन कब से कब तक भर सकते हैं. तो 8 मई से लेकर के 11 मई 2023, यानी 8 से 11 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई के लिए फ़ीस भर सकते हैं, और उसके बाद आप विद फाइन दिया हुआ है कि 12 मई से लेकर के 15 मई तक भर सकते हैं. और नीचे सेशनल मार्क्स और ये सब तो प्रिंसिपल का काम है, प्रिंसिपल को ये सब करना है, सेशनल मार्क्स का अपडेट करना है या फिर रीसेशनल वगैरह का. तो बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि डी फॉर्म सेकेंड ईयर वाले एग्ज़ाम देंगे सप्लीमेंट्री के लिए, उनको ही सिर्फ चांस दिया जा रहा है, वो भी अभी डेट नहीं आया, जून मंथ बताया जा रहा है 2023 का. और डेट वगैरह आपको फाइनल, विदाउट फाइन आप 11 मई तक आप अपना फीस भर सकते हैं, 8 मई से लेकर के 11 मई तक. और बाकी सब जो भी नीचे दिया हो वो सारे प्रिंसिपल के लिए है. तो ये इतना जैसा पॉसिबिलिटी था, खुश हो रहे थे कि सभी बच्चों को चांस मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं है. बट फिर भी होपिंग फॉर द गुड, जो भी बच्चे जिनका भी पेपर रह गया वो अच्छी तैयारी करें, एक ही बार में क्लियर कर लें, कोई बात नहीं है, अक्टूबर में कर लीजिए. लेकिन बहुत अच्छा रहता कि अगर सप्लीमेंट्री में भी उनको चांस दिया जाता, लेकिन दिया नहीं जा रहा, सिर्फ सेकेंड ईयर ओल्ड सिलेबस के बच्चे ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं. दैट विल बी हेल्ड इन जून 2023. फॉर न्यू अपडेट कीप ऑन वॉचिंग Channel Science Learner. Till then, take care. Thank you.